ऐ अल्लाह, मेरी कब्र की वहशत को उन्स से बदल दे, मुझ पर कुरान अजीम की बरकत के सबब से रहम फरमा और इसको मेरा इमाम और नूर व हिदायत और रहमत बना। ऐ अल्लाह, इसमें से जो भूल गया हूँ मुझे याद दिला, जो मैं नहीं जानता इससे मुझको सिखा और इसकी तिलावत नसीब फरमा दिन और रात के वक्तों में, और इसको मेरे लिए दलील बना दे। ऐ दुनिया व आखिरत के मालिक, ऐ बेपनाह रहमत व बख्शिश वाले, मुझ पर तेरी किस कदर बेशुमार नेमतें हैं जिनमें हर नेमत पर तेरे शुक्र का मैं हक अदा नहीं कर सकता। मुझ पर रहम करम फरमाने वाले, मुझे फक्र तंगदस्ती से जलील न कीजियो, कर्ज की बदनामी से मुझे बचाइयो, और जो नेमतें तूने हमें दी हैं उनको हमसे वापस न लीजियो। सेहत व आफियत की जिंदगी अता फरमा, अपनी तमाम नेमतों पर तुझे याद करने, तेरा शुक्र और इबादत का पूरा हक अदा करने में हमारी मदद फरमा। हर किस्म के शर फसाद और इस जमाने के हर फितने से मेरी और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, तू ही अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें हिदायत नसीब फरमा, हमारे जाहिर और बातिन की इस्लाह फरमा, ताकि हम गुमराहियों से दूर रहें, और उन मकबूल बंदों में हमें शामिल फरमा जो सच्चे दिल से ईमान लाए। तू पाक और बेऐब है, हम तेरी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, हम तेरी नेमतों के शुक्र का हक अदा नहीं कर सकते। तू ही सबसे ज्यादा रहीम करीम है और हर मांगने वाले को सब कुछ देने वाला है। ऐ करीम, हमें आफियत और सलामती अता फरमा, अपनी इताअत और फर्मबरदारी की हिम्मत और तौफीक नसीब कर, हमारी ये जिंदगी तेरी अमानत है, इसलिए बरहक दीन इस्लाम पर ऐसी हालत में हम तेरे सामने हाजिर हों कि तू हमसे हर तरह खुश और राजी हो। तेरे सिवा मेरा कोई मालिक नहीं, मेरा कोई पालने वाला नहीं, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ऐ अल्लाह, तू ही आसमानों और जमीन का बनाने वाला है और दुनिया व आखिरत में हमारा मालिक व मददगार है। इस तमन्ना को कबूल फरमा कि सच्चे मुसलमान की तरह हमारा अंजाम बखैर हो, तेरे नेक और मकबूल बंदों की रिफाकत हासिल रहे। तूने हर चीज को अपनी रहमत में ले रखा है, तू हर चीज से बाखबर है। तेरी बताई हुई राह पर हमें हमेशा चलने, गुनाहों से बचने और तौबा करने की तौफीक अता फरमा। तूने हमें जितना इल्म दिया है हम उससे कुछ ज्यादा नहीं जानते, तू ही सब कुछ जानने वाला है। मैं तुझसे दीन और दुनिया में हर तरह की खैर, हर आफत से सलामती और हर मुसीबत से आफियत का उम्मीदवार हूँ। अपने गुनाहों की मुआफी के साथ तेरे गजब और दोजख की आग से पनाह मांगता हूँ। इस कलमे पर मेरी जिंदगी खत्म हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمين ثم آمين الله 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 الله